हाय, क्या कुछ काम था? अरे नहीं नहीं वो तो हम बस टंकी पे चाय पीने जा रहे थे, सोचा आपको हाय हेलो बोल दे। बाकी सब ठीक? हाँ सब ठीक ठीक है, फिर हम चलते हैं है ना। वो चाय थोड़ा एक्स्ट्रा है। अच्छा, मैं चल लेता, कोई नहीं लेकिन कोई नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ लिए थे आपसे। वैसे भी अभी दिन हो रहा है, कोई देख लेगा तो यहाँ तो लोग बातें बनाने लग जाएंगे। शाम को 7 बजे चल सकते हैं। मैं फ्री भी हो जाता हूँ और थोड़ा अंधेरा भी हो जाएगा। अंधेरे में जाके क्या करेंगे? नहीं हमारा मतलब है कि अंधेरे में तो गांव भी दिखाई नहीं देगा ना, हाँ, ये है बात भी ना। सही है। अंधेरे में तो गांव भी फिर क्या क्या ही दिखेगा। ठीक है हम चलते हैं फिर। ठीक है। अरे, हमें लगा कि आप मजाक कर रहे हैं। मैं तो मजाक ही कर रहा था। हम भी अकेले का सोच के आए थे। अच्छा मैं भी ऐसा कर लो, तुम अभी चले जाओ, मैं बाद में आके पी लूंगा। नहीं नहीं हमारा मतलब है हम साथ में पी सकते हैं ना। अभी तो अंधेरा भी है, कोई देखेगा भी नहीं। हाँ, अंधेरे में तो खैर किसी को क्या ही दिखेगा। चलें। कौन जाने क्या है बाकी, साथ में जो चल दिए दो सुकून तो MBA भी कर सकती हो। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता ये बैंक पीओ उसका परीक्षा ज्यादा आसान पड़ेगा? आसान तो कुछ भी नहीं है, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने जाओ तो फिर वो कठिन हो ही जाता है। वो भी है। ऐसा अचानक से करियर कहाँ से बीच में आ गया? नहीं, अच्छी बात है, आ गया तो अच्छी बात है, बेस्ट है। करियर का तो सोचना, वही मुझे लगा कि पता नहीं शादी की क्या इतनी हड़बड़ी है। अरे हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हम तो मम्मी को भी बोल चुके हैं अभी हमें शादी नहीं करनी, अभी हम थोड़ा अपने बारे में सोचना चाहते हैं। हाँ तो MBA की तैयारी कर लो। MBA लेकिन हो तो जाएगा ना। हो जाएगा, होगा कैसे नहीं, हो जाएगा। थोड़ा फाइट रहता है, हो जाएगा। अरे रिंकी, हाय गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह, सब ठीक? हाँ हाँ सब ठीक है। वो हम आपसे किताब लेने आए थे, कौन सी किताब? वो जो आप MBA की तैयारी कर रहे हैं ना उसकी। अच्छा, बैठो बैठो। तो MBA करना है, डिसाइड कर लिया? अभी फाइनल नहीं है, पहले हम किताब देखेंगे तो समझ में आएगा हमसे हो भी पाएगा या नहीं। अरे बिल्कुल होगा, होगा कैसे नहीं। एक तो यहीं पड़ी है, बाकी मैं लेके आता हूँ अंदर से।
ये पूरा याद करना पड़ेगा क्या? हाँ, पर टेंशन मत लो, हो जाएगा। ये वॉन्ट है, ये वर्बल एबिलिटी, ये लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो भी सही लगे ले जाओ। इसमें से सबसे आसान कौन सा है? डिपेंड करता है, किसी को कौन इजी लगता है, किसी को लॉजिकल रीजनिंग को। आपको सबसे आसान कौन सा लगता है? मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन, DI। ये वाला? हाँ, ये वाला। मैं तो सब में टिक लगा है, तैयारी अच्छी चल रही है आपकी। चलनी भी चाहिए, एग्जाम सर पे है, इस बार क्रैक करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जी बिल्कुल होगा, आप इतनी मेहनत जो करते हैं। ठीक है, फिर हम इसी से शुरू करते हैं। लेकिन फिर आप कैसे पढ़ेंगे? अरे नहीं नहीं, बहुत मटेरियल है, ये तो है, हो जाएगा। इसके अलावा? हाँ, कुछ भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो कॉल कर लेना सीधे। वो पहला कन्फ्यूजन तो यही है कि इसमें होता क्या है। सॉरी, वो थोड़ा टफ है, पढ़ने की कोशिश किए थे हम, लेकिन क्या हुआ? पीछे आके बैठूं क्या? नहीं। ओके। वैसे आपको पीछे क्यों आना है? बताइए ना, पीछे क्यों आना है? नहीं बता सकता। अरे बताइए ना प्लीज। नहीं बता सकता, टॉप सीक्रेट है। ठीक है, मत बताइए। सब टॉप सीक्रेट पता है आपका। ये सब करने के लिए थैंक यू। सुराल है, इतना तो कर ही सकते हैं। सचिव जी, पीछे बढ़ गई हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? लेकिन तुम चुप रहो, बहुत बोल। बैठ जाइए, किसी को नहीं बताएंगे। सचिन जी पीछे बैठ जाइए, कसम खा रहे हैं किसी को नहीं बताएंगे। कुछ ठीक है, चुप ना। नहीं, ऐसा बताने छुपाने वाली कोई बात नहीं है, साथ बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही तो, फिर आके बैठ जाइए ना। अरे बैठ जाइए महाराज, जाइए। सुनिए, आ जाइए। बढ़िया सा गाना चला दीजिए ना। थोड़ा सीरियस हो जाओ यार, हमें घोड़े के लिए ना सिर्फ गाड़ी का इंतजाम।